दक्षिण नागपुर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरीश पांडव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोमवार कोटा स्थित संताजी सभागृह में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समय गिरीश पांडव द्वारा वरिष्ठों का सम्मान किया गया। देखा जाए तो जन्मदिन सौगात और आशीर्वाद का पर्व होता है, जहां चाहने वाले शुभकामनाएं देकर आगामी जीवन हेतु अभीष्ट चिंतन करते हैं। गिरीश पांडव द्वारा आयोजित वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान कार्यक्रम में वरिष्ठों का स्वागत कर गिरीश पांडव ने उनसे आशीर्वाद लिया। इस समय क्षेत्र के सभी नामांकित दिग्गजों ने पुष्प, मिठाई आदि सौगात लाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस समय उनके समर्थक एवं मित्र परिवारों ने केक काट कर गिरीश पांडव का जन्मदिन मनाया। इस समय प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने अपने इस मुकाम में वरिष्ठों के आशीर्वाद को महत्वपूर्ण बताया। नहीं, आज मेरा जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने ज्येष्ठ नागरिकों का सत्कार लिया हुआ था। करीब करीब 2500 से 3000 ज्येष्ठ नागरिकों का सत्कार अभी तक हुआ है। और हर साल मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरे जो कार्यकर्ता है, सभी पदाधिकारी जो है, कोई ना कोई कार्यक्रम देते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर उन्होंने आरोग्य शिविर लिया था, जिसके अंदर में निःशुल्क उपचार भी था। इसी प्रकार आज इस साल ज्येष्ठ नागरिका का कार्यक्रम लिया हुआ है और बड़े पैमाने में मैंने ज्येष्ठ नागरिका का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। इस बात की मुझे बड़ी खुशी और गर्व है कि मेरे लोगों ने, जो मेरे ज्येष्ठ नागरिक जो है, जो मेरे माता पिता के तुल्य है, उन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस बात की मुझे बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। NBC न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ मनीष टेम्बरे की रिपोर्ट।